नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। मोदी कैबिनेट 3.0 में बिहार के कई नए चेहरों को एंट्री मिल चुकी है। बता दें कि वाल्मीकि नगर से सतीश चंद्र बाबू भी वहां पर केंद्रीय मंत्री बनाए गए। बता दें कि बिहार का चेहरा सतीश चंद्र दुबे को मोदी 3.0 सरकार में कैबिनेट में जगह मिली है। सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा सांसद है, उन्हें केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। सतीश चंद्र दुबे राजनीति में लंबा अनुभव रखते हैं। उन्होंने अपने सियासी कैरियर की शुरुआत 31 साल पहले बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। बता दें कि सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। वे पश्चिम चंपारण इलाके के बड़े चेहरे हैं। वे इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सतीश चंद्र दुबे की संगठन में अच्छी पकड़ मानी जाती है। वे युवा चेहरा है, मोदी सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि सतीश चंद्र दुबे चनपटिया और नरकटियागंज से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वे 2014 में वाल्मीकि नगर से बीजेपी के सांसद बने थे। बाद में ये सीट जेडीयू के हिस्से में चली गई। उसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। बता दें कि सतीश चंद्र दुबे को पहली बार 2019 में राम जेठमलानी के निधन के बाद शेष समय के लिए राज्यसभा सांसद चुना गया। बाद में पार्टी ने उन्हें 2022 में राज्यसभा भेजा। अब सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि उन्होंने हाल के चुनाव में ईमानदारी से मेहनत की, पार्टी के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन भी किया, जिसका फल उन्हें अब मिल रहा है। दुबे के नेतृत्व में संगठन कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के प्रत्याशी को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बता दें कि स्थानीय लोगों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी हॉल में पीठ थपथपाई थी। उनकी मेहनत और तैयारी को देखकर वो काफी खुश थे। बीते वर्ष लौरिया में गृह मंत्री का कार्यक्रम था, उसमें दुबे ने खूब मेहनत की थी। केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद उनके समर्थन में खुशी की लहर दौड़ आई। उनके समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है और पूरे बिहार के लिए उनका मंत्री बनाया जाना अच्छा संकेत माना जा रहा है। उनके इलाके में समर्थक पटाखे फोड़ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। बता दें कि समर्थकों ने दुबे को मंत्री बनाए जाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया और अमित शाह को भी धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने सही व्यक्ति का चयन किया है, ये उनके समर्थकों का कहना है। चलिए आपको बता दें कि सतीश चंद्र दुबे का जो पारिवारिक थोड़ा इतिहास क्या है। 2 मई 1975 को हरसरी नरकटियागंज पश्चिम चंपारण में सतीश चंद्र दुबे का जन्म हुआ और टीपी वर्मा महाविद्यालय नरकटियागंज से इंटर की परीक्षा पास की। उनके पिता का नाम स्वर्गीय इंद्रजीत दुबे है और माता का नाम स्वर्गीय पशुपति देवी है। अब देखिए, दुबे के राजनीतिक सफरनामा पर कुछ नजर डालते हैं। उनके राजनीतिक सफर कैसी शुरू हुई तो उसकी बात करें तो 1993 में भाजपा की सदस्यता ली और पंचायत अध्यक्ष बने। बता दें कि 2000 में शिवसेना की टिकट पर चनपटिया से विधानसभा चुनाव लड़े और मामूली वोट से हार गए। तो 2005 में चनपटिया से भाजपा के टिकट पर विधायक बने, लेकिन विधानसभा का गठन नहीं हुआ। वही 2005 में दोबारा चनपटिया से विधायक चुने गए और 2010 में नरकटियागंज विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी जीते। बता दें कि सतीश चंद्र दुबे 2014 में वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। 2019 में वाल्मीकि नगर लोकसभा गठबंधन में जदयू के हिस्से में चले जाने से मौका नहीं मिला, लेकिन फिर 2019 में राज्यसभा के सदस्य बनाए गए और राम जेठमलानी की सीट खाली होने से उन्हें शेष अवधि के लिए ही सही पार्टी ने राज्यसभा सदस्य बना दिया। 3 जून 2022 को वो फिर राज्यसभा सदस्य बनाए गए। एक बार फिर केंद्र सरकार ने उन पर विश्वास जताते हुए इस बार केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया। मोदी सरकार 3.0 जो है, इस बार सतीश चंद्र दुबे को फिर से एक बार केंद्रीय राज्य मंत्री का शपथ हुआ। उन्होंने 9 जून को शपथ ग्रहण लिया। आपको बता दें कि वो काफी उत्साहित है कि बीजेपी के साथ जुड़कर और साथ में वो जीत हासिल करके। तो आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और देखते रहे द बिहार टॉप।